नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल के ऊपर मोस्ट वेलकम है। तो आज हम प्रतिशत के क्वेश्चन निकालना सीखेंगे। अगर प्रतिशत के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो बच्चों को पजल कर देते हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। अगर प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आप आसानी से कर सकेंगे। तो चलो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थियों में से 80 छात्राएं हैं तो छात्राओं का प्रतिशत क्या होगा? एक विद्यालय में 200 विद्यार्थियों में से 80 छात्राएं हैं तो छात्राओं का प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन नंबर हमारा है 65%, है ऑप्शन बी हमारा 40%, है ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 70%। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसे मतलब क्वेश्चन को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको आसानी से कर सकेंगे उसे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ कुल विद्यार्थी, तो हम यहाँ हल लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 200। छात्राओं की संख्या, छात्राएं क्या होती हैं? लड़कियां होती हैं, छात्र होते हैं लड़के। तो यहां लिखेंगे हम छात्राएं, छात्राएं छात्राएं कितने हैं? 80 है हमारी। अब इसकी हम प्रतिशत निकाल लेंगे, सब तो छात्राओं की प्रतिशत निकालेंगे हम। तो यहां लिखेंगे हम छात्राओं की प्रतिशत, कितने प्रतिशत हैं? तो देखो हमारे पास कुल कितनी थी? 200 विद्यार्थी थे हमारे पास, कितने? 200 विद्यार्थी। कुल छात्राएं कितनी थी इसमें से? 80 थी। तो किस में से है 80? भाई 200 में से 80 तो छात्राएं हैं, 200 विद्यार्थियों में से 80 छात्राएं हैं। तो हम क्या 80 बटे हम क्या करेंगे 200, और प्रतिशत में कितना होता है? प्रतिशत में होता है 100। तो उस 100 को हम यहां रखेंगे, 20 से हम 20 को काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 0 लग जाएगी, हमारे आंसर कितना आएगा? 40%। तो 40% ऑप्शन किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर ऐसे प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अच्छी जानकारी मिली, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल प्रेस ऑल वाला करना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। एक बात और है भाई, अगर हमें छात्रों की संख्या निकालनी है, तो छात्रों की संख्या हम कितने प्रतिशत का कितना होता है? 100 होता है, तो 100 में से हम कितना घटा देंगे? 40% घटा देंगे, तो 60% किसकी आएगी? छात्रों की संख्या इसमें आ जाएगी। तो हम अगर छात्रों की संख्या निकालनी है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 100 में से हम कितना घटा देंगे? 40 घटा देंगे, तो हमारे पास शेष मतलब लड़कों की संख्या बचेगी। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।